कराहल स्थित एकलव्य विद्यालय की व्यवस्थाएं चाक चौबंद, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी के साथ कई आधुनिक सुविधाएं। खबर कराहल से है। आपको बता दें कि जहां केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सहारिया समाज के बच्चे जो कई कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, इन सब बातों को ध्यान में उनका शैक्षणिक स्तर का विकास हो सके और उन्हें अच्छी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्राइबल क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत कराहल में भी एकलव्य विद्यालय शुरू किया गया है, जिसमें आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई लिखाई और खाने पीने से लेकर रहने तक की उत्तम व्यवस्था की गई है। पूरे कैंपस में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, परिसर में साफ सफाई, नियमित क्लासें, अच्छी पढ़ाई, खेलकूद और गुणवत्ता युक्त भोजन और शासन की गाइडलाइंस की सारी सुविधाएं अध्ययनरत बच्चों को प्रदान की जाती है। बच्चों को खेल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें खेल प्रतिस्पर्धा में भी राज्य स्तरीय पुरस्कार पिछले वर्ष बच्चे जीत कर लाए हैं। विद्यालय में लाइब्रेरी, कई विख्यात लेखकों की किताबें, धार्मिक ग्रंथ और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की किताबें मौजूद हैं। वहीं बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासें और विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक वस्तुएं मौजूद है, जिससे कि बच्चे किताबों में लिखी हुई चीजों को भौतिक रूप से समझ सकें। श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार भी कई बार इस विद्यालय में निरीक्षण के लिए आ चुके हैं और विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था और शिक्षा स्तर की तारीफ कर चुके हैं। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऑक्सफोर्ड भागवत गीता मैं पिछले वर्ष 30 सितंबर को यहाँ मेरी पदस्थापना हुई। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैंने विशेष अपने 33 साल इंदौर संभाग में गुजारे हैं, वहां के एकलव्यों को मैंने देखा है और जाकर भी परीक्षण किया है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। तो मेरा ये मन हुआ कि मेरे जो मूल निवास है यहाँ से सीपरी जिला, उसके नजदीक कराहल होने से मैंने इसे स्कूल चुना और मेरा मेन उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे प्रत्येक स्तर पर आगे निकलें, खेलों में जिले स्तर और राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर खेलें, पढ़ाई में भी हमारे बच्चे बहुत अव्वल हैं। विगत वर्ष 12 छात्र थे, उनमें से 10 बच्चे फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी में पास हुए, इसमें से एक बच्चा 92% लाया और चार बच्चे 80 और 85 के बीच में प्राप्त किए, बाकी 5 बच्चे जो थे वो फर्स्ट क्लास पास हुए, केवल 2 ही छात्र सेकंड डिवीजन पास हुए। मेरा यही कहना है कि ये बच्चों का जो पढ़ने का तरीका है और जो सीखने की कला है बहुत उच्च स्तर की है, बशर्ते इनको सुविधाएं मिले। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं यहीं तक सीमित ना रहें, मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, आईएएस और आईपीएस को चुनें, माने अच्छा सोचें और ऊंचा सोचें, अपनी सोच को छोटा ना बनाएं। मेरी ये
हमेशा से सोच रही है कि बच्चों को हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए, उच्च पद पर धारण करें, अच्छे नेता बने, अच्छे वक्ता बने, उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सर इसमें जो केंद्र सरकार की सर क्या नीति है, क्या सर इसमें केवल ट्राइबल में ही रहेंगे सर ये स्कूल? सरकार की नीति है कि हमारे जो जनजाति समूह के बच्चे हैं, विशेषतर विशेष पिछड़ी जाति के, उनको मुख्य धारा में जोड़ना और उनका सर्वांगीण विकास करना। भारत सरकार इसमें 100% वो जो फाइनेंस है सहायता देती है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसका संचालन करती है। ये संस्था में बच्चों को केवल आदिवासी बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है। 5% छात्र छात्राओं के रिजर्व सीट हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए हैं, और 5% सीट ऐसे छात्र छात्राओं के लिए हैं जो कोविड में अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। विधवा की संतान के लिए भी 5% सीट आरक्षित हैं। शासन से इसमें सभी बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रवेश के समय करीब 14 आइटम यूनिफॉर्म के रूप में दिए जाते हैं। इसमें 2 जोड़ी ड्रेस हैं, 2 जोड़ी जूते हैं, 3 जोड़ी मोजे हैं, टॉवेल है, चप्पल है, ट्रैक सूट है, स्वेटर है, ब्लेजर है। ये सभी सुविधाएं प्रवेश के समय बच्चों को दी जाती हैं। निःशुल्क आवास और खाने की सुविधा है, स्वच्छ पानी के लिए गीजर आरओ लगा हुआ है, लाइब्रेरी की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, उच्च स्तर के खेल मैदान हैं, सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं।